हमारे एनालिसिस की स्टार्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस से हुई थी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर हम इंडस्ट्री तक पहुँचे। जब हमारी पहुँच इंडस्ट्री तक हो चुकी है तो अब वहाँ की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इट्स अ वे ऑफ लर्निंग जो हम बात करते हैं कि क्या क्या एनालिसिस करने हैं। तो पहले मैंने इकोनॉमिक कंडीशंस को पढ़ा, इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में जाना, फिर कुछ ज्ञान इंडस्ट्री के बारे में भी अर्जित किया हमने। अब फिर उसके अंदर चलते हैं और कंपनी की बात करते हैं। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आपको एक बात कहना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग पहले इकोनॉमिक के बारे में बात किए, इंडस्ट्री, अब कंपनी, मतलब वी आर गेटिंग डीप एंड डीप। एक एनालिसिस का पार्ट वही होता है ना कि आप हर चीज का एकदम डीप एनालिसिस करें। तो हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर में जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है, अगर मैं आपको एक बार ओवरव्यू दूं कि हमारा चैप्टर अभी कहाँ स्टैंड करता है। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 4 सिक्योरिटी एनालिसिस में, दो पार्ट है, एक पार्ट टेक्निकल है। अभी हम लोग बस फंडामेंटल पे फोकस कर रहे हैं। फंडामेंटल पे हमने पहले पढ़ा डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, फिर उस दैट इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। उसमें तीन मॉडल थे डिविडेंड डिस्काउंट मेथड के, नो ग्रोथ, कॉन्स्टेंट ग्रोथ और मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। इसके बाद हमारे पास एक फेयर वैल्यू आ गया और हमें डिसीजन लेना है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कि कौन सा शेयर बाई करे, होल्ड करे और सेल करे। तो सिर्फ फेयर वैल्यू निकाल के हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें कुछ और एनालिसिस का सहारा लेना पड़ा। जिसमें से पहला था इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा था इंडस्ट्री एनालिसिस एंड तीसरा इज कंपनी एनालिसिस। नाउ कंपनी एनालिसिस इज रियली नो समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। मीन्स हमें आपको कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी की सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करना है। तो इसका एनालिसिस भी बहुत ही डीप होगा, बहुत डिटेल्ड होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में आई गेस देर आर 13 पॉइंट्स और उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी हाफ ऑफ द पॉइंट एटलीस्ट वी शुड कवर इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। सही बोला, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑफ द कंपनी एनालिसिस ऑफ कोर्स। तो ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी का लोगो है आप समझ लो, और उस कंपनी का हम लोग अब बात करेंगे एक एक करके कि एनालिसिस कैसे होगा वो कंपनी के बारे में। तो सीधा इधर आ जाते एक्सक्यूज मी, ये रहा आपका कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस, पहली बात तो हमें ये सोचना होगा कि कंपनी होती क्या है। एक एंटिटी होती है जो फंक्शन करती है, या तो सर्विसेज देती है या प्रोडक्शन करती है, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करना है। हमारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड हमारा ये है कि हमें सिक्योरिटी को खरीदना, बेचना और होल्ड करना है। अपनी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको तो हमें ध्यान में रखना होगा ना कि हम किस लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो हमारा माइंड क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हम किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे तो उस कंपनी का एनालिसिस करना ज़रूरी है। उस कंपनी के आगे पीछे करंट सिचुएशंस क्या हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट द कंपनी एनालिसिस। उस कंपनी का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या है, या फ्यूचर क्या होने वाला, पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है, वही हमारा कंपनी एनालिसिस होगा।
और ऑफ कोर्स ये ज़्यादातर फाइनेंशियल टर्म्स में होगा क्योंकि हम बात करें रहे हैं अभी फाइनेंस की, और हमारा फोकस भी उस पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा हाइलाइटर यूज़ करते हैं अपना एक एक करके। कंपनी एनालिसिस, इसको थोड़ा सा सर्कल कर दें। स्टार्टिंग में बहुत सारा डिज़ाइन आता है कि ये कर दो वो कर दो, थोड़ा वीडियो दूर जाता है तो समझ में आता है कि हाइलाइटर ही काफ़ी है। इट हैपेंस। हियर इट इज, इट इज़ आवर व्हाट, नथिंग बट कंपनी एनालिसिस। क्या बोल रहा है कंपनी एनालिसिस में? इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर विथ प्रॉपर बैकग्राउंड अगेंस्ट विच शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी आर परचेस्ड। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स विथ प्रॉपर बैकग्राउंड अगेंस्ट विच शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज आर परचेस्ड। हमें याद आया इसको पढ़ के कि हमें परचेस करना है। पहला डिसीजन तो हमारा यही है ना कि हम कहाँ पैसा लगाएं, वेयर टू इन्वेस्ट और इन विच कंपनी आई नीड टू इन्वेस्ट। तो ये हमें बोल रहा है कि विथ प्रॉपर बैकग्राउंड अगेंस्ट विच शेयर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी आर परचेज। इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक इन्वेस्टर को एक ऐसा बैकग्राउंड जिसके दम पे, जिसके बलबूते पे वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। एक वर्ड क्या है आप बताइए? एक वर्ड है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा आपको आपका इंडस्ट्री फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या हो गया? इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ डिसीजन गाइडलाइंस दैट अलाइंस एवरीवन विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन एंड इन्फॉर्म्स द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन है इतना बड़ा। अपने को तो डेफिनेशन के बारे में उतना तो जानना नहीं है, हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ डिसीजन गाइडलाइंस दैट अलाइंस एवरीवन विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। क्या लाइन लिखा हुआ है? ये एक ऐसा सेट ऑफ डिसीजन गाइडलाइंस है जो सारे लोग को अलाइन कर देता है, सारे लोग को मिला के एक जगह फोकस कराता है, और वो है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। मेरी कंपनी का गोल है, जैसे कि इंडिया का गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वो सारे सेट ऑफ डिसीजन जो भी हमारी गवर्नमेंट लेगी, इंडियन गवर्नमेंट लेगी, तो उसका एक फोकस रहेगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कि मेरा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना है अपनी इकोनॉमी को। वैसे ही एक कंपनी का प्रॉफिट को 10,000 करोड़ पहुंचाना है सपोज करिए, तो वो कंपनी का सारा सेट ऑफ डिसीजन शुड बी इन द फ्रेमवर्क ऑफ, इन द गाइडलाइंस जो उसके डिसीजंस होगी वो सारे उस पे फोकस रहेंगे। तो इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ डिसीजन गाइडलाइंस, डिसीजन गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री फ्रेमवर्क क्या है। इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स इट स्टैंडर्डाइजेज हाउ बिजनेस प्रोसेसेस आर डिजाइंड एंड डिलीवर्ड बिटवीन इंडस्ट्री कोर कैपेबिलिटी एंड इट्स कंज्यूमर। इट स्टैंडर्डाइजेज हाउ बिजनेसेस प्रोसेसेस आर डिजाइंड। एक बिजनेस का प्रोसेस कैसे डिजाइन होगा और डिलीवर्ड होगा बिटवीन इंडस्ट्री कोर कैपेबिलिटी एंड इट्स कंज्यूमर। एक बिजनेस का प्रोसेस कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा प्रोसेस को डिज़ाइन करें और डिलीवर करें इंडस्ट्री की कोर कैपेबिलिटी, जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी जो कोर कैपेबिलिटी, जो हमारी कोर ताकत है, जो प्राइम ताकत है, उसको हम लोग कैसे कंपनी एक कंज्यूमर तक पहुंचा सके। इंडस्ट्री फ्रेमवर्क बोलता है कि हम अपने प्रोसेस को ऐसा डिज़ाइन करें जिससे कि हम अपनी कोर कैपेबिलिटी को कंज्यूमर तक पहुंचा सके। बहुत ही, आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्री पे क्यों इतना एम्फेसाइजेस कर रहे हो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसके मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोवाइड्स इन्वेस्टर विथ प्रॉपर बैकग्राउंड। एक इन्वेस्टर को इससे प्रॉपर बैकग्राउंड मिलता है जिसके दम पे वो डिसीजन लेता है कि कंपनी को नहीं, शेयर, उसके शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की बात की मैंने, और अब इंडस्ट्री फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री फ्रेमवर्क में क्या बोल रहा है कि ये प्रोसेसेस को ऐसा डिज़ाइन करता है कि
इंडस्ट्री फ्रेमवर्क क्या है? ऐसा प्रोसेस डिजाइन है जिसके दम पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अपनी कोर को कंज्यूमर तक पहुंचा सकती, कोर कैपेबिलिटी, कोर कैपेसिटी, जो हमारा कोर प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है। तो ये दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं क्या मैं अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो उसका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा है? मैं देखो, एक इन्वेस्टर के दम पे सोचो, अगर देसी भाषा में समझो तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं देखूंगा ना इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा है आपका, मतलब आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप क्या क्या डिसीजन लेते हो, या फिर ऐसा डिसीजन लेते हो कि आप अचीव कर पाओगे या नहीं। होता है ना, कंपनी बोलती है कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं आने वाले 10 साल में हम 10% के हिसाब से ग्रो करेंगे, लेकिन क्या आपका जो डिसीजंस है क्या उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं, ठीक है। और बात करते हैं इंडस्ट्री फ्रेमवर्क की, इंडस्ट्री फ्रेमवर्क बोलते हैं कि आपका प्रोसेस ऐसा डिज़ाइन है भी या नहीं कि आपकी कोर कैपेबिलिटी आपकी कंज्यूमर तक, एंड यूजर तक पहुँच पाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कंपनी के एनालिसिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई नो कि थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया, बट दिस इज वॉट द रियलिटी इज, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई द इंस्टीट्यूट हैज पुट दीज वर्ड्स, क्यों ये वर्ड्स रखे जाते हैं, और हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते। दिस इज हाउ रियल लाइफ वर्क्स। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी कोर कैपेबिलिटी आप डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तभी तो एक कंपनी अगर नहीं है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी, अपनी इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फ्रेमवर्क अच्छा नहीं होगा उसका, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपना अगला लाइन के ऊपर ही हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं। दिस रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। अगर बात करें क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, मतलब आपको इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स तक पहुंचना है तो उसको, उसकी रास्ते में आपको एक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। आई मीन दिस रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। तो क्वांटिटेटिव क्या करता है, क्वांटिटेटिव हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को एनालाइज करता है, जैसे कि उसके सिंपल फाइनेंशियल रेशियोज को देख के, जैसे कि अर्निंग पर रेशियोज, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स रेशियो को देख के, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। ये साउंड था शटर का। कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट जब आप एग्जामिन करते हो तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर देखते हो आप, कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हो आप, और कुछ जैसे कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज को देखते हो, उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, ठीक है। मतलब आप कितना कमा पाओगे उस कंपनी से, अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है, कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और वही रही बात क्वालिटेटिव एनालिसिस का, ये यूजेस, अगर ऐसे बोले क्वालिटेटिव एनालिसिस है, एनालिसिस यूजेस सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन नॉन क्वांटिफिएबल इंफॉर्मेशन सच एज एक्सपर्टाइज, इंडस्ट्री साइकिल, स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबर रिलेशन। कहने का मतलब है कि क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स क्या है, इसका एनालाइज, इसको एग्जामिन करोगे, जैसे कि आपका रिसर्च एंड R&D का क्या स्ट्रेंथ है। एप्पल की R&D भयानक है, जबरदस्त है, सोमी की भी R&D है, रियलमी की भी R&D है, ओप्पो का है, सैमसंग का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉपअप सेल्फी कैमरा आ रहा है, पीछे अब 4 कैमरेज आ जाएंगे, फुल स्क्रीन आ रही है आजकल, बॉडी टू स्क्रीन रेशियो बहुत कम हो गया है, मतलब पूरा बॉडी पे स्क्रीन ही स्क्रीन है, विदाउट एनी सारा स्क्रीन आपको देखने को मिला। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ, ये क्वालिटेटिव फंडामेंटल एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगी, ठीक है। लेबर रिलेशन कैसा है, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, आप एक कंपनी हो जिसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में आपने किसी को आउटसोर्स ही किया है, कुछ भी किया है, लेकिन उसमें आपका लेबर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं हो, दिन भर देखो स्ट्राइक पे ही बैठा रहता है,
तो अगर ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, क्या पता फ्यूचर में लेबर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए, तो फिर तो गया मेरा पैसा भी गया, कंपनी का प्रोडक्शन भी रुक गया, सेल भी रुक गया, सप्लाई भी रुक गई, कोई और कंपनी उस मार्केट को कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस थ्री लाइन्स वर्क्स। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द प्रॉपर बैकग्राउंड। जी हाँ, इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फ्रेमवर्क उसको प्रॉपर बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कंपनी के शेयर्स को परचेस करने के लिए। और इसको कैसे हम लोग करेंगे, दिस रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स के एग्जामिनेशन के थ्रू। अब उसमें हम बात करेंगे एक एक करके क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हो। उसमें से पहला पॉइंट आता है नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू। आप इसको बोल सकते हो कि ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी देख रहा है कि नेटवर्थ कितना है, बुक वैल्यू कैसी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा। तो ये बहुत कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग एक एक पार्ट में देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है बहुत ही सिंपल सा कि नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू। हाईलाइट अ चेंज। नेटवर्थ इज अ सम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एंड फ्री रिजर्व्स, लेस इंटेंजिबल एसेट्स एंड एनी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नेटवर्थ का डेफिनेशन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर भी आ गया एंड फ्री रिजर्व्स। लेस इंटेंजिबल एसेट, जो इंटेंजिबल एसेट उसको माइनस कर देंगे, और कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो उसको हटा देंगे। द टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ शेयर इन द मच टॉक्ड अबाउट बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। बोला द नेटवर्थ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ शेयर इज बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। जो आपकी नेटवर्थ है उसको हम सपोज करिए आपकी नेटवर्थ है 100 रुपीज, फॉर एन एग्जाम्पल 100 लैक्स है। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर से 1 लैक, तो आपके शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी, ₹10। सिंपल एज दिस। अगर आपको नेटवर्थ निकालनी है तो अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो नेटवर्थ सपोज करिए आपकी जो नेटवर्थ है उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से। सपोज करिए आपकी 100 है और ये 10 है, तो आपका बुक वैल्यू ऑफ द शेयर ₹10 पर शेयर। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, दो बुक वैल्यू इज ऑफन सीन एज एन इंडिकेशन ऑफ द इंट्रेंसिक वर्थ ऑफ द शेयर। ये क्या बोलता है कि ऐसा लगभग देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो आपकी बुक वैल्यू है वो फेयर वैल्यू होगी, इंट्रेंसिक वर्थ मतलब कि फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर होगी। दिस मे नॉट बी शो फॉर टू मेजर रीजन, बट ऐसा नहीं होगा, इसके दो रीजन है। फर्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रिफ्लेक्ट द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द फर्म विच मे हैव नो रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट। कहने का मतलब है कि जो मार्केट, अब पहला रीजन वो क्या बोला कि आप तो बोल रहे बुक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, उसके हिसाब से आप जज कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं जज करते। आपको बुक वैल्यू ही नहीं मान लोगे कि उसका फेयर वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू है। आपका बुक वैल्यू हो सकता है, आपके बुक का वैल्यू बुक के हिसाब से वो वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू, वो कुछ और हो सकता है। इसके दो रीजन है। फर्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द फर्म विच मे हैव नो रिलेशनशिप विद द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट। यानी मतलब जो मार्केट प्राइस है, आप वो सब छोड़िए, मार्केट प्राइस जो सपोज करिए आपकी बुक वैल्यू 10 रुपया निकाली, लेकिन मार्केट प्राइस 1000 रुपया, तो मार्केट प्राइस जो है वो दिखाता है कि फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कितना है। एक इन्वेस्टर आप में भरोसा जता रहा है कि इस कंपनी का बुक वैल्यू तो 10 ही रुपया है, लेकिन इस शेयर को मैं 1000 रुपया में खरीद सकता हूँ, क्योंकि इस कंपनी में आने वाले वक्त में कमाने की हैसियत है, फ्यूचर में इसका अच्छा ग्रोथ है। सेकेंड, द बुक वैल्यू इज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म एंड दीज मे बी ग्रॉस अंडर एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट एंड रीसेल वैल्यूज ऑफ दीज एसेट्स। पहला बात तो वो बोला, फिर दूसरा बात बोला, सेकेंड, द बुक वैल्यू इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो भाई पुराने हिस्ट्री की बात कर रहा है, पुराने कॉस्ट के ऊपर बेस्ड करके आप बुक वैल्यू निकाल लिए, जो आपका
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और लेस इंटेंजिबल एसेट्स एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को लेस किया है, नहीं अगर कुछ है तो। उससे आपने नेटवर्थ निकाला लेकिन वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है एंड दीज मे बी ग्रॉस अंडर एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और रीसेल वैल्यूज ऑफ दीज एसेट। आज शायद उसका दाम बढ़ गया हो या घट गया हो तो उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू को ऐसे एनालाइज करेंगे आप कि नेटवर्थ कैसा है। जितना ज़्यादा नेटवर्थ रहेगा उतनी अच्छी बात है, बुक वैल्यू जितनी अच्छी रहेगी उतनी अच्छी बात है, और उसको मार्केट प्राइस से आप कंपेयर करोगे, सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फर्म। सोर्स क्या है, आपके पास पैसा कहाँ से आया, रुपया कहाँ से आया, अरे भाई रुपया कहाँ से आया और उसका यूज कहाँ करोगे वो भी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फर्म इज नोन एज द फंड फ्लो एनालिसिस। वाह, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फर्म, आपने आइडेंटिफाई किया कि पैसा कहाँ से आया यहाँ इस कंपनी में और उसका यूज कहाँ हो गया, उसको बोलते हैं फंड फ्लो एनालिसिस। तो सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फंड को आप एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हो कि हम फंड्स फ्लो एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे इसका यूज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द सोर्सेज एंड द यूजेज ऑफ द फर्म। वन ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ द फंड फ्लो एनालिसिस इज टू फाइंड आउट वेदर द फर्म हैज यूज शॉर्ट टर्म सोर्सेज। वाओ क्या लाइन है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपके पास 1,000 करोड़ रुपया है लेकिन आपने जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, मतलब लंबा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लिया, छोटे बहुत इन्वेस्टमेंट ले लिए, किसी से 2 करोड़ किसी से 10 करोड़, एक लंबा आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, तो क्या वो लंबे समय तक चल पाएगा। सच मैथड ऑफ फाइनेंसिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी क्रंच ऑफ द फर्म। फ्यूचर में आपके पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, उसको पैसा चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो फिर तो आपके पास लिक्विडिटी, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द जेस्टेशन पीरियड इन्वॉल्व बाई मे नॉट बी जनरेट इनफ सरप्लसेज इन टाइम मीट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इंकर्ड बाई द फर्म। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप सोच रहे हो कि आने वाले 10 साल में बेनिफिट देगा, लेकिन आपका जो लोन का रीपेमेंट आ गया वो बीच में ही आ गया, तो आप तो उस समय पे नहीं कर पाओगे, तो आपकी कंपनी उस समय क्रंच में आ सकती, डूब सकती। मेनी ऑफ फर्म हैज कम टू ग्रीव बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच बिटवीन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फर्म। क्या लाइन लिखा हुआ है, आप दो वर्ड यहाँ पे फोकस करिए, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ द फर्म, मिसमैच हो रहा है इन दोनों के बीच में। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोर्सेज का क्या मतलब है, आप किसी सोर्स से पैसा उठा लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लंबा इन्वेस्टमेंट आपने उठाया नहीं, यूजेज ऑफ द फंड और उसको आपको यूज करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक आपका उस पर काम चलेगा, तो आपका सपोज करिए 10 करोड़ रुपया है तो वो तो एक बार में नहीं लगेगा, लेकिन जो आदमी 10 करोड़ रुपया दिया है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 करोड़ का, वो अगर शॉर्ट टर्म सोर्स मतलब शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए दिया है तो आपको अगले 2 साल में उसको चुकाना पड़ेगा 10 करोड़, लेकिन जो आपका यूजेज है वो तो आने वाले 10 साल तक होगा, तो आप उसको कैसे रीपैक कर पाओगे। तो इसीलिए सोर्सेज जो शॉर्ट टर्म के रहते हैं वो डेंजरस होते हैं, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें कैसा है, इस कंपनी को चलाने के लिए जितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड रेज हुआ होगा उतना अच्छी बात है। फिर अगला पॉइंट है अपना क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। हाइलाइटर चेंज, यस, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। वन ऑफ द मेन पर्पजेज ऑफ द एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू कंपेयर टू फर्म्स। क्रॉस सेक्शनल मतलब कि इस सेक्शन के दो फर्म्स को एनालाइज, कंपेयर करके एनालाइज करना, कंपेयर अ फर्म अगेंस्ट सम बेंचमार्क फिगर ऑफ इंडस्ट्री एंड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर द टाइम। कुछ बेंचमार्क हैं, जैसे इस कंपनी इस सेक्टर में 6% का ग्रोथ चल रहा है, इस सेक्टर में 10% का ग्रोथ चल रहा है, तो ये आपका एक बेंचमार्क हो गया। क्या उस बेंचमार्क को वो पर्टिकुलर कंपनी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। और ये ओवर द टाइम आपको करते रहना है, परफॉर्मेंस ऑफ द फिगर, सॉरी
some benchmark figures for this industry and to analyze the performance of the firm over the time. और उसके हिसाब से आप उस कंपनी के उस फर्म के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे. द टेक्निक्स दैट आर यूज टू डू सच प्रॉपर कंपेरेटिव एनालिसिस आर कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस. फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस और कॉमन साइज स्टेटमेंट, जैसे कि एक जैसे स्टेटमेंट जिसके उसको देख के आप कर सकते हो कंपेरिजन. और फाइनेंशियल रेशियोज बहुत सारे हैं, जैसे करंट रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स का क्या है, कैपिटल रेशियो क्या है, उसका कितना पैसा लगा कि कितना कमा रहा है, कितना पैसा लगा कि कितना सेल कर रहा है. तो वो बाकी फाइनेंशियल रेशियोज के दम पे भी आप एक कंपनी का रेशियो फाइनेंशियल रेशियोज देखें और दूसरे कंपनी का क्रॉस सेक्शनल दूसरे कंपनी का भी उससे कंपेयर करके एनालाइज कर ले कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ऐसा है तो इस कंपनी में भी वैसा होना चाहिए. मतलब दो कंपनी है तो एक में अगर अच्छा है तो इसमें क्यों नहीं है. ठीक है, उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कंपनी आगे मतलब क्या है, उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, कैसा करेगी फ्यूचर में. मतलब आप अपने पैसे को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हो नहीं, मतलब कि ऐसी जगह लगाओ जहां से बेस्ट रिटर्न मिले, जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हो. और रिस्क इज ऑल्सो अ फैक्टर. साइज एंड रैंकिंग, अगला पॉइंट साइज एंड रैंकिंग. रफ आइडिया रिगार्डिंग द साइज एंड रैंकिंग ऑफ द कंपनी विद इन द इकोनॉमी in general and the industry in particular would help the investment manager in assessing the risk associated with the company. In this regard, the net capital employed, the net profit, return on investment and the sales figure of the company under consideration may be compared with the similar data of the other company in the same industry group. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक rough idea होना चाहिए उसके size और ranking, कितनी बड़ी company है, उसका rank क्या है अपनी industry में, अपने economy में इन जनरल एंड इन द इंडस्ट्री. इकोनॉमी में इन जनरल, इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर वुड हेल्प, जरूर वो हेल्प करेगा जो भी रिस्क एसोसिएटेड उसको एक्सेस करने में कितना रिस्क इसमें है. इन दिस रिगार्ड नेट कैपिटल इम्प्लॉयड, आप ये देख सकते हो इसमें कितना रुपया लगा हुआ है, इससे आपको साइज का आइडिया लग जाएगा कितनी बड़ी कंपनी है, इसका नेटवर्थ क्या है, बेसिकली कितना रुपया कमाती है, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है इसका, सेल्स फिगर कैसे हैं. ठीक है, और इसको आप सिमिलर डेटा ऑफ द अदर कंपनी से कंपेयर करके आपको एक आइडिया लग सकता है कि इसका साइज और रैंकिंग कैसा है अपने इंडस्ट्री में, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या रैंकिंग है इसकी, इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट आल्सो, इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रुपया है उसमें. ठीक है, इट मे ऑल्सो बी यूजफुल टू एसेस द पोजिशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, R&D एक्टिविटी एंड प्राइस लीडरशिप. वाओ क्या बात है, आप टेक्निकल नो हाउ भी दे सकते हो, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखोगे कितना बड़ा R&D इनका क्या पोजीशन है उसकी. बस बहुत बड़ा R&D खोल के रखे हो, कोई आउटपुट नहीं देते हो, ईच एंड एवरी थिंग. प्राइस लीडरशिप, अपना जो इनका सेल का प्राइस है वो कैसा, एग्रेसिव है, यूनिक है, या फिर लोएस्ट है, मीडियम है, क्या है, उस पर कितना कॉम्पिटिशन है उस प्राइस पे, तो वो भी आप एनालाइज कर लोगे. तो साइज एंड रैंकिंग में इस बात के ऊपर डिस्कशन किया. फिर बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ रिकॉर्ड. आई सेड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रोथ सबको अच्छा लगता है. द ग्रोथ इन द सेल्स, नेट इनकम, नेट कैपिटल इंप्लॉयड एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स शुड बी एग्जामिन. चिल इजी पीजी, क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कैसा ग्रोथ रहा, आपका हालचाल कैसा है बेसिकली, और सब बढ़िया कैसे है, कैसे पता करें बताओ. उसके लिए आपको अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी देखना होगा, पास्ट फ्यू ईयर्स का कैसा रहा आपका सेल बताइए थोड़ा. तो बोले कि भाई अच्छा रहा सेल आपका, अच्छा है ठीक है अच्छा. नेट इनकम बताइए, माल बेच के पैसा कमा भी रहे हो कि बस बेच ही रहे हो, वह हमको मतलब है भाई, रुपया चाहिए रुपया. नेट कैपिटल इम्प्लॉयड कितना रुपया लगा रहे हो, सारा रुपया घर लेके चले जा रहे हो या फिर कुछ इसमें लगा भी रहे हो, वो हम बात करेंगे उसके ऊपर. अर्निंग पर शेयर, एक्सक्यूज मी, आपके पास शेयर तो है लेकिन उस शेयर पे कितना कमाई है आपकी, अर्निंग पर शेयर क्या है. मैं अगर आपका 10,000 शेयर खरीदता हूँ तो आप क्या कमा के दोगे मेरे को, मैं तो आप में पैसा लगा रहा हूँ, रुपया लगा रहा हूँ, मेरे को रुपया चाहिए, आपको रिटर्न में रुपया दे दो मेरे को. तो रुपया देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अर्निंग पर शेयर देखना होगा. मतलब रुपया लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अर्निंग पर शेयर देखनी पड़ेगी. और अर्निंग पर शेयर
आप देखोगे जितना ज्यादा उतना अच्छी बात है, उस हिसाब से आप अपना पैसा लगाओगे। द फॉलोइंग थ्री ग्रोथ इंडिकेटर्स में भी पर्टिकुलरली लुक्ड इन। अब ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए आप कुछ इंडिकेटर्स जो हैं उनके ऊपर आप नजर दौड़ा सकते हैं। जैसे उसमें से एक है प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको पीई रेशियो भी प्यार से बोला जाता है, ठीक है, पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो क्या होता है? ये रेशियो बेसिकली, अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं, नीचे इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देना है बस। जैसे यहां पे किया हुआ है, यहां पे प्राइस अर्निंग पर शेयर रेशियो कैसे निकाला, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और अर्निंग पर शेयर, ये सबसे इजी और सरल तरीका है कोई भी शेयर को एनालाइज करने का। आप कोई भी मनी कंट्रोल खोल के देखिए तो उसमें एक डेटा दिया रहता है, पीई रेशियो। तो पीई रेशियो का मतलब कैसे है, क्या एनालिसिस है? जैसे कि यहाँ पे दो कंपनी है, फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है। एक कंपनी का मार्केट प्राइस 150 है और एक का 250। दोनों का अर्निंग पर शेयर बराबर है, 2500 रुपया ही कमा रही दोनों। अपने को देखो भाई, कमाने से मतलब है, अपने धंधे की बात कर रहे। मैं 2500 रुपया के लिए एक आदमी को 150 रुपया दे रहा हूँ और उसी 2500 रुपया के लिए कंपनी को 250 रुपया दूंगा एक शेयर का। अर्निंग पर शेयर बोलता है आपको 6 आया, इसका इसका 10 आया, तो लोवेस्ट जो अर्निंग पर शेयर रहेगा, आई एम सॉरी, प्राइस अर्निंग रेशियो रहेगा वो बेटर रहेगा। आपको नहीं लग रहा कि मैं अगर 25x6 करूँ तो मेरा इसका अर्निंग पर शेयर क्या आया? 150 / 25 एंड दैट वुड बी 6। मेरे को 25 रुपया कमाने के लिए, अर्निंग पर शेयर एक शेयर पे 25 रुपया कमाने के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा। वो बेटर है कि एक शेयर पे 25 रुपया कमाने के लिए मेरे को 250 रुपया देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स जो जहां पे कम प्राइस पे करना होगा मेरे को शेयर के लिए, वो बेटर है, प्रोवाइडेड अर्निंग पर शेयर दोनों का सेम हो। तो कंपनी ए कंपनी बी में मैं ऑलवेज कंपनी ए को चुनूंगा क्योंकि मेरे को कमाई दोनों एक ही दे रहे हैं और इनका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में 150 रुपया का डिफरेंस है, आई एम सॉरी 100 रुपया का डिफरेंस है। तो मैं हमेशा लोवेस्ट चूज करके ज्यादा कमाने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट 25 रुपया तो कमा ही लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर प्राइस, आई एम सॉरी यार, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। इससे आप कंपनी के ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हो। परसेंटेज ग्रोथ इन रेट ऑफ अर्निंग पर एनम, अर्निंग पर एनम, आप कितना रुपया कमा रहे हो? आज 1000 करोड़ कमा रहे हो, अगले साल 1000 में भी 600 करोड़ कमाओ तो 60% का ग्रोथ हो गया, उतना होगा नहीं, 1060 कमा लो। कहने का मतलब है कि कितना पर एनम आपका ग्रोथ हो रहा है, तो वो एक फैक्टर है जिसको आपको लुक इन करना चाहिए ग्रोथ रिकॉर्ड को देखने के लिए। फिर बात आती है परसेंटेज ग्रोथ ऑफ नेट ब्लॉक। अब आपका एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि अब नेट ब्लॉक क्या है? बहुत इजी, नेट ब्लॉक इज अ ग्रॉस ब्लॉक लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। भाई देख, अपना जो एसेट रहता है उसका जो शीट बनाते हैं इनकम टैक्स वालों को देने के लिए, उसमें आता है ना नेट फिगर लास्ट में लिखते अपने, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, पहले का डेप्रिसिएशन कैसा कितना था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसा है। नेट ब्लॉक ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस एसेट, जो 10 लाख का एसेट खरीदे थे अपने ड्यूरिंग द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना डेप्रिशिएट हो गया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको बोलेंगे, उसको माइनस कर दिए तो आ जाएगा नेट ब्लॉक। अगर और इजी बोला जाए तो नेट ब्लॉक इज एक्चुअली व्हाट द एसेट आर वर्थ टू द कंपनी। आज उस एसेट की औकात क्या है, कहने का मतलब है कि आज तुम्हारा एसेट में क्या नेट वैल्यू क्या है उसकी, ठीक है, तो उसको नेट ब्लॉक बोलते हैं। अब उसमें ग्रोथ कितना है, आपका एसेट कितना इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, आप कितना इंक्रीज कर रहे हो अपने एसेट में, वो भी हम देखेंगे, तो उससे भी ग्रोथ रिकॉर्ड को भी हम देख पाएंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिंस इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द अर्निंग पर शेयर्स आर कवर्ड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स. जैसे हमने बात किया थ्योरेटिकली दिस रेशियो शुड बी द सेम फॉर द टू कंपनीज विद द सिमिलर फीचर्स. हाउएवर दिस इज नॉट सो इन प्रैक्टिस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स. हेंस बाय कंपैरिजन ऑफ दिस रेशियो पर्टेनिंग टू डिफरेंट कंपनीज द इन्वेस्टमेंट कैन हैव एन आइडिया अबाउट द इमेज ऑफ द कंपनी एंड द जिससे आप देखो दो कंपनी का जैसे यहाँ पे सेम था तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को 25 रुपए ही कमाना है किसको कितना ज्यादा. इट इज ऑब्वियस दैट द परचेजर ऑफ द कंपनी इज ए शेयर पे 6 टाइम्स इट्स एनुअल अर्निंग व्हाइल द परचेजर ऑफ द बी पेज 10 गुना ज्यादा. इफ अदर फैक्टर्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ग्रोथ पोटेंशियल एटसेट्रा अगर और बाकी सारे फैक्टर्स सेम है मतलब उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है तो आर क्वाइट सिमिलर. इट इज ऑब्वियस दैट द शेयर ऑफ द कंपनी ए आर प्रेफरेबल. जैसा मैंने बोला प्रेफरेबल होगा कि मेरे को 6 टाइम्स पे करके कमा लूंगा 10 टाइम्स क्यों पे करूंगा. इन प्रैक्टिस हाउएवर द अदर फैक्टर्स आर नेवर सिमिलर इन द केस ऑफ द टू कंपनी. जी हाँ कभी ऐसा होगा नहीं कि और बाकी चीज़ें सिमिलर हो. शायद उस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा हो मैं इस बार 25 कमा रहा हूँ अगले साल 50 कमा लूँ तो वो सारे भी फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे. मे बी सेम फैक्टर्स द इन्वेस्टमेंट मैनेजर मस्ट ट्राई टू अशर्टेन वाई ईपीएस इन द कंपनी इज कंपेरेटिवली लो. मे बी सम फैक्टर्स आर नॉट अपेरेंट. ईपीएस कैलकुलेशन कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग अबाउट एन इन्वेस्टमेंट येट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टेक्स अ डिसीजन टू परचेज द शेयर्स. ये एकमात्र तरीका एकमात्र जरिया नहीं हो सकता एकमात्र जरिया नहीं हो सकता. जरिया कितना ताकतवर वर्ड है ना. जरिया ये जरिया मैं एक जरिया हूं और आप हमारी ताकत है और ये जरिया आपको शुक्रिया करता है. जरिया कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना. मस्त वर्ड भी है ठीक है. दिस इज बिकॉज इट रिलेट्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड द अर्निंग पर शेयर. दिस इज बिकॉज मतलब जरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो डिसीजन लेते हैं सिर्फ ईपीएस पे अपना डिसीजन नहीं ले सकते हमें और ही बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान में देना पड़ता है. दिस इज बिकॉज इट रिलेट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर्स ठीक है. द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द नेट ब्लॉक शोज हाउ द कंपनी हैज बीन डेवलपिंग इट्स कैपेसिटी लेवल. नेट ब्लॉक जैसे मैंने बात किया ग्रॉस ब्लॉक लेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. इट इज बेसिकली नथिंग बट द एसेट्स वर्थ टू द कंपनी कितने रुपए का आपके पास एसेट है. इसमें ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो रही कितना ग्रो कर रही कंपनी कितना माल बनाने की क्षमता बढ़ रही है कितने अच्छे एसेट आ रहे हैं कितना अपना एसेट बिल्ड कर रही है. ऑब्वियसली अ डायनामिक कंपनी विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटीज एंड डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस. दिस विल इनेबल इट टू एंटर न्यू एंड प्रॉफिटेबल लाइन्स एंड अवॉइड स्टेग्नेशन इन द ग्रोथ. एक जैसा ग्रोथ छोड़ के वो एक अच्छा ग्रोथ पाने के लिए स्टेग्नेशन इन ग्रोथ मतलब रुक गया 6% से ग्रो कर रहे हो कोई ग्रोथ नहीं है ग्रोथ में भी हा? तो आप एक्सपेंड करो यहाँ जाओ वहां पैसा लगाओ ये करो वो करो कैपेसिटी इंक्रीज होगी आपका जो शेयर्स आई मीन एसेट जो है वो इंक्रीज आपको और एसेट लेने पड़ेंगे एक्सपेंशन में तो वो दर्शाता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी शुड बी केयरफुली मेड. जी हाँ इवैल्यूएशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है कंपनी का उसको आपको ध्यान से समझना होगा. दिस रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज एंड देयर यूटिलाइजेशन. दिस रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड देयर यूटिलाइजेशन. आपकी पुरानी ताकत क्या है और उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको एनालाइज करना पड़ेगा. Proposed expansion and diversification plan and the nature of the company's technology. Proposed expansion क्या आने वाले समय में आप कैसा grow करना चाहते हो कैसे grow करोगे आपका plan क्या है कि कितना grow करेंगे and diversification plans of the company's technology और company का जो technology उसमें कितना diversification आएगा और क्या क्या चीज़ें आप नहीं करने वाले हो अगर शब्दों simple शब्दों में बोला जाए तो. The existing capacity utilization levels can be known from the quantitative information given in the publisher profit and loss account of the existing capacity utilization levels can be known from the quantitative information quantitative information given in the published profit and loss account of the जैसे कि the plan of the company
in terms of the expansion and diversification can be known in the director's report, the chairman's statement, and from the future capital commitments as well as for as shown by way of notes in the balance sheet. फ्यूचर में कैपिटल कमिटमेंट कहाँ कहाँ है, आप अपने कैपिटल को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ कहाँ लगाओगे, और एक्सपेंशन डायरेक्टर रिपोर्ट में एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हो. द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द कंपनी शुड बी सीन विद द रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंसर्न फील्ड. जो टेक्नोलॉजी है उनके पास वो आपको ये देखना होगा कि उस फील्ड में अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी उससे अप टू डेट है या नहीं, फिर एडवांसमेंट ला रहे हैं या नहीं. देखो टेक्नोलॉजी आपको एक एज देता है, कोई भी इंडस्ट्री में आप रहो एक अच्छी टेक्नोलॉजी आपको एक एज देती है, आप उनसे आगे निकल जाते हो. जैसे कि जियो के पास, मैं बार बार जियो का एग्जांपल क्यों लेता हूँ यार, कुछ और एग्जांपल ले सकता हूँ है कि नहीं. जैसे कि अभी देखो स्विगी जोमैटो ये दो कंपनी है मेनली फूड डिलीवरी. तो अब जिसका ऐप ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होगी उस ऐप पे, तो उसके कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उससे क्या होगा आपको एक एज मिल जाता है. ठीक है, और मेरे को जनरली स्विगी ठीक लगता है, जो भी हो ऑलमोस्ट सेम ही है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है टेस्ट के ऊपर भी है. ठीक है छोड़िए. द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट बींग superseded or the possibility of emergence of more effective method of the manufacturing, uska possibility of its product being suppressed and possibility of emergence of more effective method. Dekho aapka jo process hai product ko banane ka rakhne ka basically wo sari cheeze aapko ye dekhni ho kitna effective hai, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी आती है. ग्रोथ इन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंपनी एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. ग्रोथ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंपनी एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. भाई साहब आपके रुपए में ग्रोथ चाहिए तो कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए. आप एक कंपनी में पैसा ग्रोथ, कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो क्या किस के लिए, आपके मनी ग्रोथ के लिए, पैसे को बढ़ाना है ना भाई, रखना तो है नहीं, रखना है तो बैंक में रख दो, 4% 3% मिलेगा, वो भी देगा कि नहीं, कब देता है पता नहीं चलता, देता भी है कि क्या करता है. ग्रोथ चाहिए, कंपनी में जाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो उस समय डीग्रोथ भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक वॉइस डिसीजन लेना है तो वॉइस डिसीजन ग्रोथ के आधार पर ही लेंगे ना. सिंपल सा डिसीजन यही होगा कि जिस कंपनी में ग्रोथ रहेगी भाई साहब अपना पैसा वहीं पे जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ है तो मेरा रुपया भी ग्रो करेगा. तो इसीलिए ग्रोथ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंपनी एनालिसिस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. अ कंपनी मे हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिट परफॉर्मेंस इन द पास्ट बट इफ डज नॉट हैव ग्रोथ पोटेंशियल इट्स शेयर कैन नॉट बी रेटेड हाई फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो मेरा रुपया को 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, बस कैसे होगा, जहां पे ग्रोथ होगा वहीं पे होगा, सिंपल एज दिस. ठीक है, बात समझ में आई. तो ग्रोथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो. ठीक है, कंपनी एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं. ठीक है, अगला पॉइंट अपना आता है फाइनेंशियल एनालिसिस. हमारा ब्रॉडर टॉपिक क्या है भाई, कंपनी एनालिसिस, और उसमें अभी हम लोग पढ़े फाइनेंशियल एनालिसिस. An analysis of its financial statement for the past few years would help the investment manager in understanding the financial solvency, liquidity, the efficiency which the funds are used and profitability, the operating efficiency and the financial and operating leverages of the company. For this purpose, certain fundamental ratios have to be calculated. क्या कह रहा है? Financial analysis. एक company के पास कितना रुपया है, कहाँ से रुपया आ रहा है, कहाँ लग रहा है रुपया, समझना होगा सर. एनालिसिस
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और ये कैसे कर सकते हो आप अपना जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाह रहे हो तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो कोई पैसा इसलिए लगा देता है कि दाम बढ़ रहा है पैसा लगा दो, ऐसे नहीं होगा ना। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ना होगा भाई, कंपनी करती क्या है, उसका मॉडल क्या है, पैसा टर्नओवर कितना है, लोन कितना है कंपनी में, लिक्विडिटी है भी यानी रुपया है भी नहीं कि नहीं है भी, आई मीन रुपया है कि नहीं उसका लोन एटलीस्ट पे करने के लिए, लिक्विडिटी तो होनी चाहिए, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी हो, रुपया बैंक में पड़ा हो, एटलीस्ट कुछ तो पड़ा हो कि जो ठहर सके, एफडी हो एटलीस्ट, समझ रहे, इन्वेस्टमेंट हो, द एफिशिएंसी विच फंड्स आर यूज, और किस तरीके से आप अपना रुपया यूज करो। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन किया, बजट किया 80,000 करोड़ का और हो गया वो 1,00,000 का, ऐसे नहीं होगा ना। एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली, कितना रुपया कमा रहे हो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कैसा है इन द कनेक्शन ऑफ सेल्स रेशियो, कितना रुपया एक्सपेंस करके आप कितना रुपया कमा रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कैसे हैं, मतलब कितना रुपया आप खर्चा कर रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू, ऑपरेटिंग रेशियो भी बोलते हैं उसको। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, कितना रुपया खर्चा करके कितना रुपया रिवेन्यू कमा रहे हो, एंड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कौन कौन से लिवरेजेज हैं फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, ये भी आपको एनालाइज करना होगा फाइनेंशियल एनालिसिस। फॉर दिस पर्पज सर्टेन फंडामेंटल रेशियोज हैव टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स आर अर्निंग पर शेयर, कितना रुपया कमा रहे हो, उसमें पहली चीज मैं क्या देखूंगा, अर्निंग पर शेयर कैसा है। गाड़ी जा रही थी, अभी भी जा रही, चले जाने देते इसको, ठीक है। तो बोला फाइनेंशियल एनालिसिस में आप कुछ चीज़ें देखो, एक फंड कहाँ यूज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे, इसको कैसे देख सकते हैं, आप अर्निंग पर शेयर से, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो से, उसमें से पहला है अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो, यील्ड, बुक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर्स, तो पीई रेशियो आ जाएगा। और रही बात यील्ड की, यील्ड का मतलब हो, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो इंडिकेट करती है कि कंपनी कितना डिविडेंड इंटरेस्ट पे करती है अपने इन्वेस्टर को ईच ईयर रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्राइस, अपने शेयर प्राइस का कितना परसेंटेज यील्ड है उसका, 2%, 10 रुपया का शेयर है तो 2 रुपया देती है एटलीस्ट कमा के डिविडेंड देती है अपनी कंपनी को। बुक वैल्यू उसका क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर कैसा, मतलब फेयर वैल्यू कैसा है। तो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स आर अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो, यील्ड, बुक वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। आप इन सारी चीजों को अगर एनालाइज कर लेंगे तो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी समझ सकते हो, उसके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को भी समझ सकते हो, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस कैसा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझ सकते हो। दीज फाइव एलिमेंट्स मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स और शो एंड कम्पेयर विद द सिमिलर रेशियो कंप्यूटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द अदर कंपनीज इन द, आप इसको निकाल के पिछले 10 साल का दूसरे कंपनी से कंपेयर भी कर सकते हो उस इंडस्ट्री में, एंड विद द एवरेज रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल, और एवरेज रेशियो जो है इंडस्ट्री का उससे भी मैच करा सकते हो, ज़्यादा है कम। द यील्ड and the asset backing of the shares are important consideration in decision regarding whether the particular market price of the share is proper or not. Yield मतलब कितना रुपया आपको पे आउट मिलता है, कितना रुपया आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट के तौर पे आपको मिल जाता है, ठीक है, मतलब आपको कितना रुपया मिलता है, इससे आप ये मार्केट प्राइस को डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा की रोल रहता है। जैसे कि अगर वो ज़्यादा आपको रिटर्न देता है, एक इन्वेस्टर को डिविडेंड देता है ज़्यादा कोई भी कंपनी का शेयर, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी है और वो डिविडेंड भी दे रहा है, समझ रहे।
वेरियस अदर फैक्टर्स टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू कितना है, मतलब मैं कितना खर्चा करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ. टर्नओवर एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा कि आप कितना रुपया सेल जनरेट कर पा रहे हो अपना एसेट को यूज करके. आपके पास जो भी एसेट है, टर्नओवर एफिशिएंसी मतलब आपके पास जो भी एसेट्स है उसको यूज करके कितना सेल जनरेट कर पा रहे हो, उसकी फुल कैपेसिटी आप यूज कर पा रहे हो नहीं, उतना ज्यादा सेल जनरेट कर पा रहे हो नहीं, सेल कर पा रहे हो नहीं, प्रोडक्शन कर पा रहे हो नहीं. तो वेरियस अदर इश्यूज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और टर्नओवर एफिशिएंसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं. द रिटर्न ऑन ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, ऑनर ने जो पैसा लगाया है उसका कितना रिटर्न उसको मिला. कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल जितना लगा के आप मेहनत कर रहे हो उससे कितना टर्नओवर जनरेट हुआ. 10 करोड़ लगा के अगर मैं 10 करोड़ का ही बस माल बेच पा रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट. आपको 10 का 10 गुना एटलीस्ट उतना आपको कैपिटल को मजबूत करना पड़ेगा अपनी सेल को, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात. एंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियो, व्हाट ए पॉइंट जिसके बारे में कोई नहीं समझता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशियो क्या है, कि आपकी कंपनी में कितना फिक्स्ड रुपया लगा हुआ है, आपका कितना फिक्स्ड रुपया लगा हुआ, कितना वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट अगर है और फिक्स्ड कॉस्ट आपको ये समझना होगा फिक्स्ड कॉस्ट को आप रिकवर कर पाओगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा और वो बाद में नहीं बिका तो आप उसको रिकवर करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है कि फिक्स टू वेरिएबल क्या रेशियो है उसका, ठीक है. टू एग्जामिन द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, एक मिनट, टू एग्जामिन द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी द इन्वेस्टमेंट मैनेजर मे वर्क आउट करेंट रेशियो CA/CL, लिक्विडिटी रेशियो उसका जो है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट से इक्विटी का क्या रेशियो, मतलब करेंट और डेट इक्विटी से आपको समझ में आ जाएगी भाई रुपया है किसके, इतना कितना रुपया है इसके पास, एसेट है पे करने के लिए, इक्विटी है भी या नहीं, लिक्विडिटी रेशियो कैसा है इसका, मतलब जो इसका पेमेंट बाकी अभी वो पे कर पाएगा नहीं. दीज रेशियो विल प्रोवाइड एन ओवरऑल व्यू ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है उसको एक कंप्लीट व्यू देगा. ही कैन एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड सो एंड सी वेदर इट इज वर्थ द रिस्क और नॉट. आप उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एनालाइज कर सकते हो, शॉर्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपको ये लगेगा कि अगर थोड़ा रिस्क है तो क्या इसका स्ट्रेंथ ऐसा है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या फ्यूचर में ग्रोथ ला पाएगा या नहीं ला पाएगा. मतलब आप इतना एनालाइज किए उसके बाद भी एक इफ एंड बट रहेगा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि रिस्क है भाई, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं बताई जा सकती. आने वाले फ्यूचर का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते परफेक्टली. यू कैन एनालाइज कि हाँ ऐसा वैसा हो सकता है, अब कल क्या बुरी न्यूज़ आ गई कि भाई इसका ऐसा नहीं ऐसा हो गया, कोई प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो गया, मतलब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई ऐसी कि सारा प्रोडक्ट ही खराब हो गया, तो इस तरीके से नहीं होगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कंपनी एनालिसिस में नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू, जितना अच्छा उतना अच्छी बात है. सोर्सेज, फंड फ्लो एनालिसिस जिसमें हमने बात की कैसा है, कितना रुपया आ रहा है, सही से लग रहा है, एफिशिएंटली उस रुपये को यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं. क्रॉस सेक्शनल, एक कंपनी में दूसरे कंपनी से कंपेयर कर लो. टाइम सीरीज एनालिसिस, पास्ट में कैसा उसका रहा परफॉर्मेंस. साइज एंड रैंकिंग, उस इंडस्ट्री में उसकी औकात कितनी है, रैंक क्या है, साइज क्या है. ग्रोथ रिकॉर्ड, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कितना ग्रोथ है, उसको प्राइस अर्निंग रेशियो से आप कंपेयर कर सकते हो. ग्रोथ इन एनुअल इनकम से भी आप देख सकते हो कि कितना ग्रोथ है उसका एनुअल इनकम में. फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस आप अभी जैसे हमने बढ़ा फाइनेंशियल एनालिसिस उसका कर सकते हो, कितना रुपया लिक्विडिटी रेशियो क्या है उसका, कैपिटल रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो कितना है, मतलब उसके पास रुपया है भी या नहीं है, सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो ये सारे एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे कंपनी एनालिसिस में. और हमने जैसा कहा था कि अभी हम लोग आधा कवर करेंगे और आधा इसके बाद. तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या,
एक बात आप याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है और आप हमारी ताकत है और मैं आपका एक ज़रिया हूँ, तो ये ज़रिया आपको आज अपनी ताकत को शुक्रिया कर रहा है, ये ज़रिया आज अपनी ताकत को शुक्रिया कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।